गुड्डू बेटा जल्दी चला गुड्डो हौसला रख पुत्र हौसला रख ध्यान से पुत्र आराम से पुत्र आगे से गाड़ी गाड़ी आ रही है पुत्र आगे ध्यान रख गुड्डू
कोई संभाल अपने आप को यार, की हो गई हो वो कितने अरमानों से गुड्डू को दुल्हन का लाल जोड़ा पहना के घर लाए थे, आज आज उसका दामन अपने ही खून से सुर्ख हो गया है। ओए गुस्सा ना, अब कुछ नहीं, सब 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 ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर यार। होगा यार, वही जिस बाप की बेटी की डोली उसके अपने ही आंगन में सूनी पड़ी हो, और जिसकी बेटी की बरात बगैर तिलक लगाए चली गई हो। ये क्या हो गया? ओए बस कर तू चलने, रब महान ध्यान ले रहा है, सब ठीक करेगा, वही सब ठीक करेगा। कितनी चिंता कर यार, बस कर। थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, जल्दी कीजिए प्लीज। सुखी तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, गुड्डा ठीक हो जाएगी, माता रानी सब ठीक करेंगी। हाँ तू बिल्कुल मत घबरा। हे माता रानी, गुड्डा की रक्षा कर, सब ठीक करना माँ, सब ठीक करना। सुनो, पेशेंट को जल्दी से आईसीयू में ले चलो। देखिए पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है, खून भी काफी बह चुका है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए, अगर इसे कुछ हो गया कुछ तो नहीं होगा गुड्डो को, ठीक हो जाए। देखिए हम तेरे से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ध्यान ना गुड्डो की। ये सब अचानक कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता रानी, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब इतना खतरनाक मोड़ लेगा। डॉक्टर साहब, गुड्डू कैसी है? आई एम सॉरी, उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। उनका मिसकैरेज भी हो गया। और वो कॉमा में चली गई है। क्या हम गुड्डो को देख सकते हैं डॉक्टर साहब?
आई एम सॉरी, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकते हैं। रानो से कहो कि यहां से चला जाए। रणबीर, रानो से कहो कि यहां से चला जाए। मेरी गुट्टो की हालत सिर्फ इसकी वजह से नहीं। रणबीर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गुट्टो की इस हालत का जिम्मेदार सुखी नहीं है। सुखी ने कोई गलती नहीं की है। सुखी का कोई दोष नहीं है। नहीं? इतना कुछ हो गया रानो, हमारी गुड्डू अंदर कोमा में है, आईसीयू में है, और सबका जिम्मेदार तुम्हारा भाई सुखी है। और तुम कहती हो कि इसका कोई दोष नहीं है। इतना सब होने के बाद भी तुम इस घटिया इंसान का साथ कैसे दे सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बहन का अपने भाई के लिए अंधा प्यार बोल रहा है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें सुखी की कोई गलती नहीं है। गुड्डो की जो हालत हुई है उसमें सुखी का कोई दोष नहीं है। अरे जब गुड्डो के साथ ये हादसा हुआ तो सुखी मेरे साथ था। हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि अचानक हमने छत से गुड्डो की चीख सुनी। जब तक हम भाग के छत पे पहुंचे तब तक गुड्डो मानती हूँ चलिए कि सुखी पे विश्वास ना करने की तुम्हारी अपनी वजह है। तुम्हारी नजरिए से सुखी गुनेगार ही दिखाई देगा। तुम भले ही सुखी पे विश्वास ना करो लेकिन मुझ पे तो भरोसा कर सकते हो। चलिए ये जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वही सच हो। जरूर क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि हम यहां खड़े होकर के तुम्हारे भाई को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां खड़े होकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें
हमें एक ऐसी लड़की को न्याय दिलाना है। जो इस वक्त न्याय मांगने की हालत में भी नहीं है। कुछ देर पहले हमारी गुड्डो हंस रही थी, गा रही थी, और अब वो एक बेजुबान बेसुध हालत में पड़ी हुई है। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से तुम मुझे एक ऐसे इंसान पर विश्वास करने के लिए बोल रही हो जिसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इसने सिर्फ गुड्डो को इस हाल में नहीं पहुंचाया है, इसने उस मासूम की जान भी ले ली है जिसने अब तक ये दुनिया देखी भी नहीं है। हम सबके आंसुओं का, हम सबके दुख का जिम्मेदार ये इंसान है। मैं जानता हूं किस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल है। यही ना कि अगर उस वक्त सुखी तुम्हारे साथ था तो मैं इस पे उंगली क्यों उठा रहा हूं। वो इसलिए रानू क्योंकि मैंने उस वक्त सुखी को वहां अपनी आंखों से देखा था, और सिर्फ मैंने ही नहीं, वहां मौजूद हर इंसान ने सुखी को वहां अपनी आंखों से देखा था। अब तुम ही बताओ, इतने लोगों की आंखें धोखा कैसे खा सकती है? सब झूठ था या सच्चाई से अपना अपना मुंह फेर ले हम क्या करें? रणबीर, मैं नहीं जानती कि झूठ क्या है और सच क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि गुंडों के साथ जो हादसा हुआ, उसे जो तुम्हारे दिल पर गुजर रही है, उसी दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ। रणबीर समझने की कोशिश करो, गुंडों को अभी उसके जीवन साथी की जरूरत है, सुखी की जरूरत है, उसके प्यार की जरूरत है, उसके देखभाल की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रणबीर कि जो तुमने देखा या यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सबने देखा, उसे झुटला दो। लेकिन सबसे पहले मेरी बस एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? जवाब तो रणबीर, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? है रानू, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। एक्सक्यूज मी, आप में से पेशेंट का हस्बैंड कौन है? जी मैं हूं। गुड्डू कैसी है? आप पेशेंट के हस्बैंड हैं? देखिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस वो गिरने से थोड़ा सूज गया है। डॉक्टर साहब कोई सेक वगैरह करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये गिरे कैसे? जी पैर फिसल गया था। अच्छा, पहले भी एक बार पेशेंट को जख्मी हालत में लाए थे। उसके सर पे चोट लगी हुई थी, आप कुछ कह रहे थे कुर्सी से गिर गई थी, और इस बार छत से। थोड़ा मतलब गुड्डो जख्मी हालत में पहले भी आ चुकी है इस अस्पताल में? जी, और तब ये भी उनके साथ आई थी।